ये हिंदी और उर्दू की मिली जुली महफिल है, ये हमारी शान की विरासत की निशानी है। तो आइए इसका आगाज करें। एक शायर को आवाज दूंगा जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। आइए उस शायर को आवाज दूं जो मोहब्बतों के नजराने पेश करने के लिए माइक पर आए। शेर पढ़ता हूँ, चार मिसरों के साथ आवाज दे रहा हूँ उस नौजवान को जिसकी आवाज की गूंज में ये मुशायरे का और कवि सम्मेलन का खूबसूरत आगाज होगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक के आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे बल देना, यही बस एक सूरत है खुदा का मुंह दिखाने की। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीया नात पेश करने के लिए आवाज दे रहा हूँ उस नौजवान को जिसकी आवाज का जादू सामईन के सर चढ़कर बोलता है। मैं जनाबे वसीम रामपुरी से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए और अपने नातिया कलाम से हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन के सफर का आगाज करें। जनाबे वसीम रामपुरी। माइक अच्छा नहीं है, माइक अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग यहीं बैठे हुए हैं ना? असल में मैंने वसीम रामपुरी ने मुझसे पूछा कि वहाँ से पढ़े या यहाँ इस माइक से पढ़े। मैंने वसीम रामपुरी को बताया कि ये बिस्मा है, यहाँ सामईन शायर को सुनते हुए ये भी देखना चाहते हैं कि किसकी टांगें कितनी कांप रही हैं, इसका अंदाजा भी लगाना चाहते हैं, इसलिए आपको वहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ना है। अब जरा एक बार बता दीजिए कि हम बिस्मा में बैठे हैं, अभी तक ये लगा नहीं है कि हम बिस्मा में हैं। आप एक बार जरा बताएं और बहुत शुक्रिया। जरा वसीम रामपुरी माइक पर सुनिए, सिर्फ आपको इतना काम करना है कि मैं नाते अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपकी नियतों में इंशाल्लाह इजाफा होगा। सुनिएगा, संवर न चाहो तो प्यारे नबी कदर बन है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। संवर न चाहो तो प्यारे नबी कदर बन है, तुम्हारे सामने पूरा नबी का जीवन है तुम्हारे सामने। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मतलब था। सुनिए, बहुत अच्छा, और अभी आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है बिस्मा में, नाते पाक भी बहुत अच्छी तरीके से आवाज आ रही है। माइक वाले कहाँ है भैया? माइक वाले कहाँ है? करो जितनी दम है आप में, आप जितनी दम लगा दो। बोलो सुभान अल्लाह अकबर, सवारे न चाहो, माइक और बढ़ाओ, सवारे न चाहो, आवाज आ रही है। तो सुनिए, नबी के दिल में, नबी के दिल में तरमीम हो गए नाम के। अरे सच बोलना, अरे तो बोलो सुभान अल्लाह। नबी के दिल में, नबी के दिल में, नबी के दिल में तरमीम हो गए नाम के। नबी के चाहने वालों का ये डिसीजन है, नबी के चाहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के कहने वालों का ये डिसीजन है, नबी के चाहने उमर हुजूर पा। क्या कहना, सुनेगा, उमर हुजूर पा ईमान जब चलाए है, उमर हुजूर पा, उमर हुजूर पा, उमर हुजूर पा ईमान जब चलाए, मुखालिफीन के सपनों में अजीब उलझन है, मुखालिफीन की। क्या कहना, क्या कहना, मुखालिफीन की।
भाई वसीम रामपुरी कई जबानों के काफी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जाने पूरी तरीके से आप अपने में नहीं है। अभी मैंने ये लाइव टेलीकास्ट ई टीवी पे हैदराबाद, लेकिन जाने बिल्कुल ताजा कलाम में आप सोच रहे होंगे, डिसीजन भी आता है नाथ में, सब कुछ आता है नाथ में। पढ़िए, आप सुनिए, सुनिएगा रामपाल यादव जी, सुनिए शेर आप तक पहुँचाता हूँ। सुनिए पड़ोसी भूखा हो कोई भी उसका मजहब हो, पड़ोसी भूखा हो पड़ोसी भूखा हो कोई भी उसका मजहब हो, खिलाओ पहले तुम में से नबी का चंदन है, खिलाओ पहले तुम क्या क्या पहले तुम में से नबी का चंदन है, खिलाओ पहले तुम नबी नबी ने उंगली पे क्या कहना इस चांद को जलाया है, नबी ने उंगली पे नबी ने उंगली पे इस चांद को जी देखता हूँ आप कैसे काम मुश्किल करते हैं। यकीन जानिए अगर नाथ में कुछ नया हो तो चाहे सुनेगा। मरीज कैसा क्या कहना, मरीज कैसा हो उसको छिपाए देती है, मरीज कैसा हो मरीज कैसा हो मरीज कैसा हो उसको छिपाए देती है, नबी के शिकर से मिलती जो ऑक्सीजन है, नबी के शिकर से क्या कहना से मैं वाह 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 बहुत अच्छा। और ये कल यूट्यूब पे आप ढूंढेंगे इंशाल्लाह, तब आप मुझे अपनी दाद देना। नबी पढ़िए पढ़िए, नबी के दीन में जितेंद्र यादव साहब करता हूँ, शमीम कौशल साहब सहाबा कहते थे क्या कहना, एक दूसरे को मरते थे सहाबा ऐसे थे, सहाबा ऐसे थे एक दूसरे को मरते थे, जैसा दौर है भाई का भाई दुश्मन है, जैसा दौर है जैसा दौर है भाई का भाई दुश्मन है, सहाबा कहते थे वाह 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 प्यारे नबी के बारे में कुर्बान जाए सहाबा पर, आप तक शेर पहुंच जाए तो आपकी दुआएं। सहाबा कहते थे वाह वाह प्यारे नबी के बारे में, सहाबा कहते थे सहाबा कहते थे प्यारे नबी के बारे में, हजार नेमत से बढ़कर नबी का दुल्हन है, क्या कहना क्या कहना।